बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं यार, उनको पता है कि हाई बीम का कितना मतलब कितना ज्यादा आंखों पे प्रभाव पड़ता है और ड्राइव करना कितना मुश्किल होता है, फिर भी अपने यूट्यूबर्स भाई भी हैं जो ब्लॉगर्स बना जो ब्लॉग बनाते हैं ट्रेवलिंग का, वो भी इतने मतलब मॉडिफाई करवा देते गाड़ी की लाइट को, जो कंपनी से लाइट आती ना उसको ही मॉडिफाई करा देंगे। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है, इतनी ठंड है यार यहाँ पर, इतनी ठंड है क्योंकि क्या है कि टेम्परेचर मैं बताता हूँ आपको कितना टेम्परेचर है इस समय, जो अभी बज रहे हैं इनके बज रहे हैं 4:05 हो रहे हैं, और यहाँ आज का टेम्परेचर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो टेम्परेचर कितना हो रहा है यहाँ पर, 1 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों, 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर में हम इस समय ड्राइव कर रहे हैं। तो अपनी जो गाड़ी है सेंट्रो गाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं कि आप यहाँ पे सेंट्रो गाड़ी लेके नहीं आ सकते, मारुति की गाड़ी लेके आ सकते हैं, यहाँ पे हर तरीके की गाड़ियाँ अपने को दिख रही हैं, तो आप हर तरीके की गाड़ी लेके आ सकते हो, बस डिपेंड करता है आप किस तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो ड्राइव सेफ करने आना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है कि गाड़ी को चलाना आना चाहिए, तो आप अपना कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हो, जरूरी नहीं है कि 4x4 ही लेके आने, हाँ 4x4 लेके आते हो अगर आप गाड़ी, तो आपको एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है मैं बताता हूँ आपको, एडवांटेज ये है 4x4 गाड़ी लेके आने का कि आपकी गाड़ी स्किड नहीं करेगी, बर्फ में आसानी से चढ़ जाएगी, तो ये फायदा आपने रहेगा, वरना आपको दूसरी गाड़ी लेगा तो आपको स्नो चेन लगानी पड़ेगी, है ना, समझ रहे हैं। तो यार 1 डिग्री टेम्परेचर, और रात में -7 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, जैसा कि अपने को सुनने को मिला है। तो यार ऐसा टेम्परेचर है, मजा आ गया यार वेदर देख के, इतना अच्छा वेदर है यार, क्या बताऊं आपको, बहुत बढ़िया वेदर है। तो चलिए ये देखिए, मैं आपको उतर के दिखाता हूँ बाहर का व्यू कैसा है, बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। सीन ऐसा है, हम लोग निकल चुके हैं अपना दोबारा से मनाली के लिए, तो मनाली से निकलेंगे अपने घर, तो अपने घर के लिए अब निकल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो सामने है ये अपना अटल टनल वाला रोड आ गया है, तो सामने अपना अटल टनल आ जाएगी, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको अटल टनल एक बार दोबारा से। तो हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी पर ये भाई नहीं माने, तो ये है सामने देखो अटल टनल, अरे वो उनके लिए है। तो अटल टनल पे हम एंटर कर रहे हैं हम, अपना अब यहाँ से हम पार कर रहे हैं, देख रहे हो अटल टनल को पार कर रहे हैं, तो सामने आ रहा बोर्ड थैंक्स विजिट अगेन। तो चलिए अटल टनल को हमने पार कर दिया है, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कभी। तो अभी तो हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए यहाँ से मनाली के ट्रिप पर, तो सामने का व्यूज देखिए इस तरीके का है। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, जैसा कि आपने देखा यहाँ से मनाली अब रह रहा है 24 किलोमीटर, कुल्लू रह रहा है 63 किलोमीटर, और दिल्ली है यहाँ से 557 किलोमीटर। तो चलिए निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, देखते हैं कितना सफ़र हम तय कर पाते हैं, अभी चल रहे हैं और आपके यहाँ के नज़ारे लीजिए, देखिए कितने अच्छे नज़ारे मिल रहे हैं।
दोस्तों सीन कुछ ऐसा हो गया है, सामने देख लो पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है। देख लो सारी चार चार लेन का ट्रैफिक हो चुका है, ऊपर नीचे तो कोई गाड़ी नहीं आ पा रही और पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है। देखो कितना पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरा ट्रैफिक टोटली जाम है और पीछे भी गाड़ियां लगी हुई हैं, फुल जाम लगा हुआ है, पीछे तक गाड़ियां लगी हुई हैं। ये देखो अब देखते हैं क्या हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे थे मनाली के लिए, अभी एक छोटा सा स्टॉप लिया है यहाँ पर, जस्ट मैगी खाने के लिए रुके हैं। तो ये अपना मैगी, ये मैगी और चाय, देखिए ये अपना मैगी देख रहे हैं आप, और ये चाय, और सामने का व्यू देखिए आप, ये जस्ट अपने सामने, हमारे सामने देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और हम यहाँ पे सामने इसके एंजॉय कर रहे हैं मैगी, और सामने से आ रही हैं गाड़ियाँ, तो कितना प्यारा व्यू है यार, ये बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है। तो चलिए पहले करते हैं मैगी को एंजॉय करते हैं, चाय को पीते हैं, और उसके बाद आपको मिलते हैं ब्लॉग में। सीन कुछ ऐसा हो गया है, अपन लोग निकल रहे थे दिल्ली के लिए, तो रास्ते में पड़ा कुल्लू, अपन लोगों ने खाना वाना खाया नहीं था, तीनों लोग भूखे हैं, तो हमने सोचा कुल्लू के अंदर बाजार में चलते हैं और वहाँ पे कुछ खाते हैं। तो ये है सामलू, देख रहे हैं आप, कुल्लू इलाका है कुल्लू का, तो ये कुल्लू की थोड़ी सी मार्केट है, और पीछे थोड़ा एरिया था, हम आपको आगे भी दिखाएंगे कैसा है कुल्लू। तो चलिए चलते हैं आगे, रास्ते में देखते हैं कैसा है कुल्लू, सर्च करो उस पर। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा, अपन निकल रहे थे दिल्ली के लिए, तो रास्ते में पड़ गया अपना कुल्लू, कुल्लू है ना ये, तो कुल्लू पेट्रोल पंप पे इस समय अपन खड़े हैं रास्ते में, कुल्लू पेट्रोल पंप पे, यार गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था दोस्तों, तो अभी भरवा रहे हैं अपना पेट्रोल। तो देखिए ये है पेट्रोल भर रहा है, कितने का पेट्रोल है अभी भर रहे हैं इसमें, तो जा रहा है गाड़ी के अंदर पेट्रोल, तो गाड़ी का पेट्रोल भरवा लेते हैं। कुल्लू यार बहुत बढ़िया शहर है, एकदम अच्छा शहर है, मतलब बीचों बीच निकल रहे हैं अभी हम कुल्लू के, ये मेन हाईवे बंद कर रखा है क्या अभी, अपना काम चल रहा है ना पुल का, तो मेन हाईवे पे क्या काम वगैरह चल रहा है, पुल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए अंदर से कुल्लू के हम निकल रहे हैं, वरना हम आउटर से ही निकल जाते। तो बड़ा ही अच्छा शहर है, बहुत प्यारा शहर है भाई। तो देखिए ये डल रहा है पेट्रोल अपनी गाड़ी में, और कितने का पेट्रोल खाएगी अभी पता नहीं है, अभी तो डल रहा है 2350 2500 रुपये का भाई, 2500 रुपये का पेट्रोल आ गया, तो पेट्रोल डलवा लिया है। और दिल्ली के लिए थैंक यू यार, ये क्या हो गया हाथ में आपके, ये गिर गया कहाँ से, जीने से या बाइक से, अच्छा बाइक से गिर गया, चलो ठीक है, ध्यान रखो भाई अपना, ओके बाय। तो दोस्तों अभी चलते हैं, तो सीन कुछ ऐसा, आप चल रहे हैं हम यहाँ से दिल्ली के लिए, तो अब चलते हैं दिल्ली और देखते हैं रास्ते में क्या मिलता है, दिखाते हैं आपको। तो अपनी गाड़ी ये खड़ी है और पीछे बैठे अक्की ब्लॉगर, अक्की ब्लॉगर पेट्रोल भूल के भर गया है, तो चलते हैं अब, निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो चलिए चलते हैं, पर लेकिन रास्ते में अभी क्या है, बहुत बड़ा रास्ता है, 500 कुछ किलोमीटर दिखा रहा है यार कुल्लू से दिल्ली का रास्ता, तो देखते हैं क्या है, कितना टाइम में पहुंचेंगे और क्या क्या रास्ते के अंदर अपने को मिलेगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप किस तरीके का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये ये मंडी टू मनाली हाईवे जो रोड है उसके ऊपर ये मेरे ख्याल से 4 या 5 लेन का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यार दिल्ली में भी ऐसा फ्लाईओवर नहीं है जैसा फ्लाईओवर ये यहाँ बना रहे हैं, कितना बड़ा फ्लाईओवर है, और इसको ये पता नहीं कहाँ से जोड़ेंगे और कहाँ उतारेंगे, आई डोंट नो, पर लेकिन जब ये बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा, ये जो जिसे आप देख रहे हो ऑफ रोडिंग जो हम चल रहे हैं, सारा रास्ता ऑफ रोडिंग है, टोटल रास्ता टूटा पड़ा है बर्फ़ वगैरह की वजह से, टूटा पड़ा है, अपने किसकी वजह से टूटा पड़ा है आई डोंट नो, पर ये पूरा टूटा पड़ा है। तो ये देखिए आप ऊपर कितने मोटे मोटे पिलरों का यूज़ किया गया है, और ये तकरीबन मुझे लग रहा है 4 लेन का फ्लाईओवर होगा, जिसमें कि 4 लेन फ्लाईओवर इसको हम बोलते हैं, तो ये जुड़ेगा अपने को जो अपने यहाँ पे 2-3 टनल का काम भी चल रहा है इंटरनल पहाड़ को काटने का, तो वो पहाड़ कट के जो टनल बनेंगी वो टनल इसी, देख रहे हो कितना सुंदर ब्रिज है यार ये, तो ये रास्ते में पड़ता है, कल भी जब हम यहाँ से आ रहे थे तो ये रास्ते में पड़ा था, पर अपने को कैप्चर नहीं कर पाए थे, तो जल्दबाजी में थे यार थोड़ा सा, तो इसलिए अभी थोड़ा सा निकल रहे हैं घर के लिए, तो इतनी कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है। देखो यार एक बार आप देखो कितना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, तो दिल्ली से मनाली का जो रूट है, जो भी अपने को लगते हैं 10 से 12 घंटे 15 घंटे जैसे भी आप स्पीड से आ रहे हो उस स्पीड से लगते हैं अपने को, तो जब ये बन जाएगा ना, जब ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा,
तो मुझे लगता है यहाँ पे आने में, दिल्ली से मनाली आने में सिर्फ अपने को 7 या 8 घंटे या 6 घंटे का आई थिंक टाइम रहेगा, 4-5 घंटे का जो है ना एयर जो टाइम है वो अपना पूरा कट जाएगा। तो उसको बहुत बढ़िया बना रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखो ये पिलर खड़े हुए हैं सामने, आप देख रहे हो कितने बढ़िया पिलर हैं, कितने मोटे मोटे पिलर बना जा रहे हैं। सामने से गाड़ी आ गई है, लाइट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार दोबारा से, ये देखिए। और सामने आप थिंक आप देख पा रहे हो, थोड़ा स्लो करो, ये देखो ये है टनल, इस टनल से जुड़ेगा ये फ्लाईओवर, अंदर अंदर जा रही है पहाड़ के, देख रहे हो आप, इस पहाड़ के अंदर अंदर से टनल गुजर रही है यार। क्या टनल बना रहे हैं, क्या रास्ता बना रहे हैं, आई डोंट नो, कितनी बढ़िया टनल है यार। पर कुछ भी हो ना जबरदस्त है, साइड में लगा दे तो हम देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, एक टनल ये है, ये भी टनल बना रहे हैं। देखो कितनी बड़ी टनल है, ये देखो कितनी बड़ी टनल है यार, ये टनल बन रही है, और ये टनल भी इस को फ्लाईओवर से जोड़ेंगे या कैसे जोड़ेंगे पता नहीं, पर लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। कुछ टाइम बाद जैसे भी 4-5 साल या जितना भी टाइम इसको लगता है, कि यार बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा हाईवे है ये, और तकरीबन 100 किलोमीटर का हाईवे तकरीबन ये मंडी से ही पड़ जाता है मनाली के लिए, 100 किलोमीटर दिखाता है, तो उस रास्ते को कवर करने के लिए यार टाइम तो लगेगा। पर गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव ले रही है इसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए अपने को, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। तो जो भी है बढ़िया काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो इससे क्या है, अपनी जो जर्नी है दिल्ली टू मनाली बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और बहुत ही ईजी हो जाएगी, और आराम से आप यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो लोग अभी नहीं आ पाते हैं वो लोग भी आराम से इजिली पहुंच पाएंगे। तो यार ये पहाड़ देखो किस तरीके से काटे हुए हैं ना, रात हो रही है, रात में यार दिख नहीं रहा, लाइट नहीं पड़ रही है इस पहाड़ों के ऊपर, थोड़ा लाइट पड़ती तो मैं आपको दिखा पाता। तो चलिए आगे चलते हैं, अगर कुछ दिख पाएगा तो हम आपको कैप्चर करके जरूर दिखाएंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है आगे। देखिए दोस्तों अब हम निकल रहे हैं, क्या रास्ता है यार, क्या ऑफ रोडिंग है, पूरा ऑफ रोडिंग है, और अपने पास गाड़ी जो है 4x4 का भी बाप है। आप कह रहे होंगे कौन सी गाड़ी होगी यार इनके पास, तो आपने तो देखी होगी यार कौन सी गाड़ी है अपने पास, अपने पास है सेंट्रो गाड़ी है अपने पास, तो वो सबका बाप है, सबका जितने 4x4 है उनका ही बाप है यार ये गाड़ी। अपना हम सिसु तक ले गए थे, अटल टनल के बाद जो सिसु पड़ता है, सिसु स्टॉप, वहां तक ले गए, कोई दिक्कत नहीं आई, गाड़ी ने बहुत अच्छा साथ निभाया, बहुत प्यारी चल रही थी, और यार इसकी परफॉर्मेंस इतनी जवाब है ना क्या बताऊं मैं आपको, बहुत प्यारी गाड़ी है, अपने को तो लव है इस गाड़ी से, आई लव दिस कार, मैं इस गाड़ी को कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगा। पर देखो सामने देख रहे हो रोड, जो गाड़ी आ रही है यार, इतना छोटा और नैरो रास्ता है ना ये, कभी कभी तो वहाँ पे ना एक गाड़ी जब गुजरती है ना तो दूसरी गाड़ी के लिए ना प्रॉपर तरीके से ना स्पेस नहीं बच पाता, तो दूसरी गाड़ी को क्या होता है, ये जो साइड में आप देख रहे हो इधर पहुंच इधर जाना पड़ जाता है, तो पीछे से भी गाड़ी पे बंदे पास मांग रहे हैं, निकल रहे हैं। तो सामने देखिए क्या गाड़ी आ रही है, तो लो बीम लग गया उसने, पहले हाई बीम पे आ रहा था, बहुत अच्छी चीज है ये, जब भी आप ड्राइव करो सिंगल वे अगर लेन है तो वहाँ पे हमेशा लो बीम का प्रयोग करें, हाई बीम कभी ना करें, क्योंकि हाई बीम पर जब आप चलते हो ना तो सामने वाला जो ड्राइवर है उसके सीधे आंखों पे वो पड़ता है, और आंखों पे पड़ने से क्या होता है वो अपना विजन खो देता है, विजन खोने से क्या होता है कभी भी वो आपकी गाड़ी से टकरा सकता है, या फिर जो बगल में खाई है उधर जाके गिर सकता है, तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो यार प्लीज जब भी आप है ना वन वे, खासकर वन वे पे जब भी गए, वैसे तो हमेशा ही लो बीम का प्रयोग करें, पर लेकिन जब भी आप वन वे पे हैं तो हमेशा लो बीम का प्रयोग करें, गाड़ी को लो बीम पे चलाएं, जिससे कि आप भी सहूलियत से जाएं और सामने वाला जो आप ड्राइवर आ रहा है गाड़ी लेकर के वो भी अपनी गाड़ी को आराम से स्मूथली चला सके। और ये जो पहाड़ देख रहे हो ना यार, काश हम दिन में आ पाते, पर लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, कल है संडे और अपने को पहुंचना है दिल्ली, क्योंकि क्या है परसों से अपना ऑफिस है यार, ऑफिस भी देखना है, ये तो अपना जो जॉब है ये भी जॉब है अपनी, तो इस जॉब को भी हम दिल से करते हैं, पर लेकिन जो जॉब अपनी है प्रॉपर उस जॉब को करना हमारा बहुत ही पहला मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वही है यार, तो अपन उसके लिए जा रहे हैं, अपने को जाना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि क्या है कि उससे ही अपनी रोजी रोटी चलती है ना। तो दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाओ इस वीडियो के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल को यार, अपने भाई के यूट्यूब चैनल को जरा सपोर्ट करो और इसको बुलंदियों तक पहुंचाओ, जिससे कि क्या है भाई को कुछ जो भी है वीडियो जो भाई की आती हैं वो वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। अपना सिर्फ इतना ही है कि हम आपको अच्छे अच्छे व्लॉग ला के दे सके, क्योंकि यार अपना पैसन है, हम चाहते हैं जो भी हमारा पैसन है कि अपना अच्छी अच्छी चीज़ एक्सप्लोर करना, तो आप हम चाहते हैं उस पैसन को आप लोगों तक पहुंचाएं, वो उसका जरिया क्या है यूट्यूब है, तो इसलिए यूट्यूब पर हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो यार ये ब्लॉग को इतना फैला दो कि यार अपने को 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए भाई,
वन मिलियन सब्सक्राइबर मांगता है तो मांगता है यार। तो यार दोस्तों क्या सोच रहे हो, कर दो तो यार, इतना तो बनता है इस रात में। देखो कितनी अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हो 9:30 बज रहे हैं, पर लेकिन रोड पे देख रहे हो ऐसा लग रहा है 12-1 बजे के तकरीबन आप है ना यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो। 12-1 बजे का टाइम लग रहा है क्योंकि इतना डार्क नाइट है, इतना अंधेरा है, क्योंकि देखो पूरे चारों तरफ सुर्ख अंधेरा दिखाई दे रहा होगा आपको। जो भी लाइट दिख रही है वो सिर्फ रोड की लाइट, रोड ऑफ रोडिंग देख रहे हो कितना यार, क्या स्पीड मेंटेन करेंगे हम इसमें। देखो स्पीड देखो आप कितने की स्पीड दिख रही है आपको। अरे यार गाड़ी इतनी हिल रही है ना, मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा, देख रहे हो। तो ये 10 से 20 की स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं, 20 भी टच नहीं कर पा रहे हम लोग। तो क्या यार हम क्या गाड़ी चलाएंगे बताओ, क्या गाड़ी चलाएंगे। सामने से गाड़ी आ रही है, देखो कितनी हाई बीम पे आ रही है यार। इन लोगों के लिए ये मैसेज है कि यार प्लीज यार लो बीम पे चलो, लो बीम पे चलो, पर लेकिन लोग समझते नहीं है, वो हमेशा हाई बीम रख के चलते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे अपनी गाड़ी को ना लाइट को मॉडिफाई करा देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं यार, उनको पता है कि हाई बीम का कितना मतलब कितना ज़्यादा आंखों पे प्रभाव पड़ता है और ड्राइव करना कितना मुश्किल होता है। फिर भी अपने यूट्यूबर्स भाई भी हैं जो ब्लॉगर्स बना जो ब्लॉग बनाते हैं ट्रेवलिंग का, वो भी इतने मतलब मॉडिफाई करवा देते हैं गाड़ी की लाइट को, जो कंपनी से लाइट आती ना उसको ही मॉडिफाई करा देंगे, और मॉडिफाई कराने के बाद उसको भी हाई बीम पर चलाएंगे। तो यार आप तो समझो, जनता नहीं समझ रही पर आप तो समझो उस चीज़ को यार। अगर आप ही उसको प्रमोट करोगे ऐसी चीज़ों को तो आगे वो प्रमोट ही होंगी ना यार। तो रोड सेफ्टी के लिए मैं तो कहता हूँ कि ये आप हमेशा लो बीम पे चलो यार। ठीक है ये टनल देख रहे हो आप, एक टनल ये भी जा रही है, पर यार क्या क्या दिखाया आपको, क्योंकि कैमरा कैप्चर का क्या करेगा, जब तक लाइट नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा तो कैमरा क्या फोकस करेगा यार, क्या दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से 5 से 6 टनल बन रही हैं जो अपने को बाहर से दिख रही हैं, और इंटरनल टनल का जो काम चल रहा होगा वो अपने को नहीं पता कितने चल रही होंगी। तो 4 से 5 टनल तो अपने को रास्ते में ही दिख जाती हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो चल रही हैं, उनका काम अभी चल रहा है उनपे। तो यारो दोस्तों भाइयों और मेरे बुजुर्गों सब लोग जो इसको वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो और आपके भाई की मेहनत अगर रंग ला रही है ना, तो इस वीडियो पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है भाई। तो ये सब्सक्राइब और लाइक जरूर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, शेयर कर दो भाइयों, जिससे कि क्या है कि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो देख सकें कि किस तरीके से तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है और आपके लिए कितनी उपयोगी वीडियो बना रहा है। वायरल कर दो, वायरल। तो चल रहे हैं हम भी, आगे से आ रही है ये एम्बुलेंस आगे, और आगे का जो भी अच्छा सा व्यू आएगा वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए जर्नी को आप इंजॉय करिए, चलते हैं। देख रहे हो आप, ये देखो ये पहाड़ कट के कहाँ से गिराया करके, देख रहे हो ये बिल्कुल रोड पे आगे गिरा हुआ है, और ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अपने आप गिर गया है, इसको काटा जा रहा है। काटने के बाद देखो कितना बड़ा पत्थर आगे गिरा हुआ है नीचे, ये और ये प्रॉपर रोड के ऊपर, रोड के जस्ट बगल में ही गिरा हुआ है, देख रहे हो। हम ये रात में निकल रहे हैं, जस्ट मैं अपने बगल में दिखाता हूँ आपको कैसा रोड है। ये देखो यार कितना ऑफ रोडिंग रोड है यार, ये देखो कैसा रोड है, क्या रोड है यार, क्या रोड है। तो बताइए आप भी कमेंट करिए आपने कभी ऐसे रोड पे गाड़ी चलाई है, और वो भी रात के 10:12 पे हम चल रहे हैं। तो आप भी कभी इतनी रात में ड्राइव कर रहे हैं या नहीं करिए आपने, तो एक बार कमेंट करके बताएं, कमेंट करें इस पे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लग रही है, एक बार बताएं, जिससे कि अपने को मोटिवेशन मिलता है कि अपना जो भी हमारे भी जो हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं उसमें क्या कमी है, जो भी कमी है, जो भी आपको कमियां लग रही हैं, सब प्लीज़ अपने को सजेस्ट करें कि कैसे चल रही है, क्या कमेंट क्या दिख रहा है, क्या कमी आपको दिख रही है, वो कमी हमको बता दें जिससे कि हम उसका सुधार करें, आपके लिए सुधार करके उसको अच्छे से बना सकें। तो चल रहे हैं हम आगे मंडी के लिए, मंडी यहाँ से तकरीबन रह जाता है मुश्किल से 12 किलोमीटर के करीब है, 12 या 13 किलोमीटर के करीब रह गया है मंडी। तो मंडी चल रहे हैं अपना, वहाँ पे रास्ते में यार कोई होटल वोटल मिल जाएगा तो खाना वाना खा लेंगे, या कोई रेस्टोरेंट मिल जाए तो खा लेंगे, या ढाबा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए पर अच्छा सा मिल जाए यार, वहीं पे रोक के गाड़ी खा लेंगे अपना खाना। यार रोड देख रहे हो कितना मखमल है, यहाँ पे मक्खन है रोड कतई, देखो कितना मक्खन है, एक बार मक्खन पे छुरी चली इधर से, एक मक्खन पे छुरी चली इधर से, तो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है रोड के बाद, मतलब कहीं कहीं ऐसा पेचा है कि डाइवर्जन के बाद आता है एकदम मक्खन और उसके बाद हो जाता है एकदम बेकार मक्खन, मतलब रायता फैल देता है उसके आगे, उसके आगे फैल जाता है रायता। तो रास्ता थोड़ा ऐसा ही है यहाँ पे,
कहीं अच्छा आ रहा है कहीं बेकार आ रहा है। तो मंडी मेरे ख्याल से हम रास्ते में ही आ गए, मंडी है थोड़ी दूर पे, तो सामने मंडी है, रास्ते में आपको दिख नहीं रही होगी। तो ये मंडी सब्जी मंडी नहीं है, जगह का नाम है मंडी। तो मंडी में बस पहुंचेंगे, उसके बाद वहाँ डिनर करेंगे, क्योंकि वहाँ पीछे अपना सेटअप कुछ बैठा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था, 3-4 बसें रुकी हुई थी, और क्या करें बस जहाँ होती है ना वहाँ भीड़ काफी हो जाती है, तो इस वजह से हमने खाया नहीं खाना और हम निकल रहे हो। देखो रोड देख रहे हो आप, से निकले कुल्लू मनाली से, ट्रिप डायरेक्ट यहीं आके रुके हैं अभी। तो यहाँ पे अपने को मिला है एक रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे अपना यार डिनर करेंगे, और डिनर करने बाद आगे की यात्रा आगे की शुरू जर्नी शुरू करेंगे सब। ये है अपना नील होटल रेस्टोरेंट, तो चलिए इसमें चलते हैं अंदर और करते हैं डिनर, करते हैं डिनर करने के बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे, तो चलते हैं। हाँ भाई कुछ है सीन? तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज रात हम रुक गए थे एक ऐसी जगहों पर, जैसे कि आप पीछे भी देख रहे होंगे कि ये है पेट्रोल पंप, और ये पेट्रोल पंप पे हम रात को रुक गए थे, गाड़ी में ही अपना सो गए थे, क्योंकि हमने होटल वगैरह लिया नहीं। क्योंकि यार क्या है कि यहाँ पे ना रास्ते में आप देख रहे हो, ये देखिए रास्ते में सीधा पहाड़ ही पहाड़ है, और यहाँ पे कोई होटल्स वगैरह इतना कुछ खास अपने को दिखा नहीं। रात हो गई थी 11 बज गए, तो देखिए मैं आपको सोने का नमूना दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग सोए थे। तो ये देखिए ये भाई कैसे लेटे हुए हैं, ये भाई ऐसे ही सोए हुए थे, रात में 2 बजे सोए हैं और आंखों में इतना दर्द, तो अभी आँख खुली है, अब हम फ्रेश होंगे तो फिर हम चलेंगे दिल्ली की ओर। हाँ तो दोस्तों यही सीन था कि हम रात को हम लेट नाइट ड्राइव कर रहे थे, रात को 2 बज गए थे तकरीबन, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे यार। कभी क्या कि हमने जब वहाँ से डायरेक्ट शुरू हुए हैं अपना ये मनाली से, जब भी मनाली से हम रात को चले थे आपने देखा था, तो उस टाइम से लेकर के और यहाँ पहुँचने तक हम बिल्कुल भी नहीं रुके कहीं पर, तो यार कंटिन्यू ड्राइव कर रहे थे, थक गए थे, तो ये भाई यहाँ सोए थे। और देखो मेरी सीट ये ड्राइविंग सीट, मैं दिखाता हूँ आपको, ये ड्राइविंग सीट को मैंने पीछे करके और अपने जूते उतार के यहाँ सो रहा था, भाई पीछे सो रहा था, तीसरा बंदा आया था ये यहाँ सो रहा था, देख लो ये देखो मैं आपको, ये देखो ये तकिया वकिया लगा के भाई ने इधर सो रहे थे। लोगों ने गाड़ी में सोए नहीं थे पहले कभी, तो कल भी अपना हम गाड़ी में सोए और आज भी, तो दोनों दिन अपने को बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिला, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला। हाँ ये है कि यार देखो पूरे तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, पर ये है कि हाँ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आप लंबी ड्राइव पे जा रहे हो तो उस चीज़ के लिए तो यार देखो सही है। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो रही है, सामने गाड़ी को फुल स्टार्ट पर छोड़ दिया है, क्योंकि गाड़ी रात भर रुकी हुई थी, पहाड़ है यहाँ पर थोड़ी ठंड है, तो उसकी वजह से क्या गाड़ी कोल्ड हो गई थी, तो कूल स्टार्ट पर लगा दिया गाड़ी को, अभी स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी पूरी तरीके से जब, तो अपन चलते हैं गाड़ी लेके निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों अपन लोग गाड़ी अब स्टार्ट कर रहे हैं और निकल रहे हैं अपना दिल्ली के लिए, गाड़ी हमने कर ली है स्टार्ट और तीनों लोग हो गए सेट, तो तीनों लोगों दो तो चलते हैं दोस्तों, चलें चलो भाई चलो, आर यू रेडी? आर यू बोथ आर रेडी? ओके रेडी बॉस, कैन वी गो? गो गो गो। ओके तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको आगे जर्नी में और दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर नज़ारा इस समय, हाँ हम मोहाली में, और मोहाली की यार क्या बिल्डिंग है यार, ये रात में क्या नज़ारा होता होगा इसका, क्या बिल्डिंग है आप देख रहे हो, कितना बेहतरीन व्यू है यार, मैं आपको दिखाता हूँ साइड से एक बार, ये देखो थे। अभी अब रास्ते में जा रहे थे दिल्ली के लिए, तो रास्ते में अपने को मिला मन्नत, आप सामने देख रहे हैं मन्नत, तो मन्नत पे अपनी गाड़ी रोक दी है हमने खाना खाने के लिए, क्योंकि यार अभी टाइम हो गया है, जैसे कि अभी बज रहे हैं ये देख रहे हो आप, टाइम हो रहा है 12:44, क्योंकि धूप की वजह से नहीं हो दिख पा रहा, 12:44 यार 1 बजने वाला है, तो लंच कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि लंच का टाइम हो गया है और भूख लग रही है बहुत तेज़ सभी को, तो यार गाड़ी रोक ली हमने, हम चल रहे हैं अब अंदर खाएंगे खाना लंच करेंगे। ये है सामने मन्नत होटल, जो कि आपको पड़ेगा ये हरियाणा वाले रोड पे, आप अम्बाला से जैसे आगे निकलते हो तो सामने जो अम्बाला से जो तकरीबन 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आगे निकलोगे ना, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही पड़ेगा ये मन्नत। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है अंदर, खाना खाते हैं।
तो दोस्तों अभी हम ये दिल्ली से मनाली की जो ट्रिप है इसको हम यहीं पे करते हैं एंड, और खाना खाने के बाद निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अपने चैनल द फ्लेमिंगो ट्रैवलर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।